मैं जो बात दुआ में बनना सकी जी, वो बात दुआ में होती है। क्या बात है? जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं फिर बात खुदा से होती है, तो खुदा से बात करवाने वाले हैं इतने बड़े बंदे हैं। किसी को तकलीफ हो, सांप बिच्छू या कोई भी बीमारी हो, उसके पानी निकालने के बाद और उसको पिलाया जाए 21 दिन तक, वो बीमारी खत्म हो जाती है। अच्छा, दान मिलता है आपको? दान देते हैं लोग, कलंदर सरकार के सदके में बहुत कुछ नवाजते हैं, देखे जाते हैं। खुश हो आप? हाँ, हम तो खुश हैं। चलो, यहाँ सब खुश हैं। जैसे कि हमने बताया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब यहाँ पर आते हैं, किसी विशेष धर्म के लोग यहाँ पर नहीं आते। आज हम आपको लेके आए हैं दुनिया के मशहूर अबू अली शाह कलंदर की दरगाह है। बहुत से देशों से लोग यहाँ पर आते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सबके सब यहाँ पर अपनी अपनी दुआएं लेकर आते हैं कि उनकी दुआएं पूरी हो जाए। और पूरा नज़ारा यहाँ का आपको दिखाएंगे। तो इस समय हम इसके मेन गेट के ऊपर हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है अबू अली शाह कलंदर दरगाह। तो बहुत पुरानी दुकानें हैं, और चलिए भाई आगे भी बहुत सारी दुकानें हैं। ये मेन गेट हो गया इसका, और तो अंदर जाने का के लिए प्रसाद रखा हुआ है, चादरें भी हैं यहाँ पे, और ये कुछ अंगूठी वगैरह और भी चेन वगैरह कई सामान हैं जो यहाँ पर बेचे जाते हैं। और लोग अंदर जाने से पहले सामान को लेते हैं प्रसाद के रूप में, और चादर तो यहाँ पे चढ़ती है, और तेल की बोतलें भी रखी हुई है, कुछ लोग तेल लेकर भी जाते हैं। और तो ये यहाँ पे एंट्री और तो ये भाई अंदर मुख्य मेन गेट है, और एक ये इन्होंने दुकान की हुई है, प्रसाद है और चादरें रखी हुई है। यहाँ पे जूते रखने के लिए जो रखे हुए हैं, और ये लोग यहाँ पे सेवा करते हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं, भाई ये कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हो? नमस्कार जी। भाई साहब, नाम आपका? नहीं, राजेश शर्मा। राजेश शर्मा, हाँ जी। आप क्या करते हो इधर? ये तो बाबा जी को पता है जी, हम तो ठीक है जोड़ा करते हैं, पर हमारे औकात नहीं है जी, सेवा पे लगे करते हैं। हाँ, सेवा करते हैं यहाँ पे। और कब से कर रहे हैं आप सेवा? उन्होंने देखते हुए नहीं हमें बताया, हम ये कर्म बता नहीं सकते, इसलिए आप किसी और से पूछ लो तो अच्छा ही बोल नहीं सकते। अच्छा, ये सब ही आपके साथ? सब सेवादार हैं जी, यहाँ पे सब सेवा करते हैं जितने भी हैं। अब है जो बात दुआ में बनना सकी जी, वो बात दुआ में होती है। क्या बात है? जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं फिर बात खुदा से होती है, तो खुदा से बात करवाने वाले हैं इतने बड़े बंदे हैं। क्या बात है? और हमारा भी यही है कि इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं जी, ये तो कर्म है इनका, वरना हम में तो कोई बात ही नहीं, सब इनका कर्म है। आपका पूरा विश्वास है इनके? विश्वास ही है, हमारे तो सब कुछ यही है जी, इनका दिया हुआ है जी, बचपन से लगे वैसे। अच्छा, आज तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है भीड़ भाड़ को, तो यहाँ पे तो मैं क्या कहता हूँ जगह नहीं होगी, लगने की जगह नहीं होती, रैक पीछे पड़े हुए जी, वो ये रैक सारे खुल जाते हैं, पैक किए हुए हैं ना, कल ये खुल जाएंगे रैक। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और कीमती समय दिया। यहाँ पे कुछ रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है वक्फ बोर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और थोड़ी थोड़ी इस समय बारिश है। इस तरफ से अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मस्जिद है, ये भी दरगाह बनी हुई है, पूछेंगे मेरे ध्यान नहीं है कि ये किसकी दरगाह है। और यहाँ पर वजू करने के लिए यहाँ पर पानी का जो है बंदोबस्त किया गया है। और आगे चलते हैं, चलो। ये खुला मैदान है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए जगह का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी एक बार थोड़ा चारों तरफ से दिखा दो कि ये नज़ारा है यहाँ पे पूरा का पूरा। तो अब हम यहाँ की जो हिस्ट्री है, और यहाँ पे जो उनकी दरगाह है, मज़ार है उनकी, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ से शुरुआत होती है दरगाह हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपत, और कुछ यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं सरकार ने, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा, आपके सामने फ़ोटो लगा देंगे। और अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे अबू अली शाह कलंदर जी की दरगाह है। कलंदर का क्या अर्थ होता है, सब कुछ पूरी की पूरी हिस्ट्री, ये कब बना, किसने बनवाया, इनके पिताजी, इनकी माताजी के बारे में सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। और अपनी मन्नत मांगने के लिए कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं,
काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, कुछ यहीं के हैं, और जैसे कि हमने बताया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब यहाँ पर आते हैं, किसी विशेष धर्म के लोग यहाँ पर नहीं आते। और एक बार जान लेते हैं कि एक दो लोग जैसे कहाँ कहाँ से आए हैं। जलगांव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जलगांव भाई साहब। मैं पानीपत से। आप पानीपत से? पानीपत से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बहुत लोगों की दुआएं पूरी होती है यहाँ। पूरा विश्वास जुड़ा हुआ है। पूरा विश्वास जुड़ा हुआ है। पानीपत। पानीपत से हो? कब से आ रहे हो आप इधर? पहली बार आए हो आप? फर्स्ट टाइम। मैं यहीं से हूँ लेकिन मैं कई बार आ चुका हूँ, पहले कई साल पहले से ही आ। तो लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है बहुत दूर दूर से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये मोइनुद्दीन जी यहाँ के स्टेट ऑफिसर हैं, वक्फ बोर्ड से हैं। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह। तो ये हमें यहाँ का जो पूरा हिस्ट्री है और क्या क्या यहाँ पर है वो सब कुछ हमें बताएंगे, और बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत ही सुंदर पेंटिंग आकृति, बहुत ज़बरदस्त पत्थर लगे हुए हैं। तो अबू हमजा जी, जो हमारे ये पीर जी हैं, इनका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम हज़रत शाह शरफुद्दीन अलमारूफ बू अली शाह कलंदर जी, और अंदर आपके दोस्त हज़रत मुबारक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ है। आइए। ये हज़रत शाह शरफुद्दीन अलमारूफ बू अली शाह कलंदर का आस्थाना है, ये जो कि हज़रत कलंदर साहब के नाम से सब जानते हैं। और अंदर वाले पहले अंदर जाया जाता है, पहले अंदर चले। अच्छा, पहले अंदर, पहले अंदर जाया जाता है, जो कि कोई भी ज़ायरीन कोई भी आपके पास आता है दर्शन करने के लिए, सबसे पहले अंदर हाज़िरी होती है, फिर उसके बाद बाहर आते हैं हज़रत की बारगाह में। अच्छा, ये यहाँ पे पहले आना होता जी, है जी। और ये क्या देते थे इनके हज़रत पीर साहब? मुबारक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बू अली शाह कलंदर के जिगरी दोस्त हैं, और आपने ही परवरिश करी है इनकी, इन्होंने ही पाला है। क्योंकि बादशाह गयासुद्दीन बलबल जो थे, आपने जो पहले जो शादी करी थी उससे, तो बादशाह ने पहले ये कह दिया था अगर इससे लड़की होगी तो मैं इसको तलाक दे दूँगा, अगर बेटा हो तो मैं रख लूँगा। पहली बीवी से बादशाह गयासुद्दीन बलबल रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि एक औलाद हुई लेडीज बच्चा हुआ मतलब बेटी हुई, तो आपने उसको तलाक दे दिया था। जब दोबारा आपने जो शादी करी तो उससे कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो किसी ने पूछ लिया बादशाह से कि आपकी बादशाह संभालने वाला तो कोई है नहीं, बच्चे नहीं तो कौन संभालेगा आपकी बादशाह। तो आप मायूस हुए, तो यहाँ किराना के पास एक हकीम रहते थे, तो वहाँ गए। तो जब वहाँ गए, जाने के बाद तो हकीम ने पूछा आप कहाँ से आए हो? तो मतलब मैं पानीपत से। बोला आप इतनी बड़ी सरजमी पर छोड़कर मेरे पास आए हो, और आप वहीं जाइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करिए हज़रत बू अली शाह कलंदर के यहाँ, आप वहीं से आपकी औलाद अता होगी। तो बादशाह गयासुद्दीन बनबर जो थे आपके कदमों में आके गिर गए, और आपने कहा कि अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि मेरी दो औलाद हों, एक औलाद आपकी दो, दूसरी औलाद मैं ले जाऊँ। तो कुछ दिन बीते, बादशाह गयासुद्दीन बलबल जो थे उनकी दो औलाद हुई, एक का नाम था खुर्रम, दूसरे का नाम था मुबारक। खुर्रम आप लग गए थे, मुबारक आपकी गोद में डाल गए थे। आपने परवरिश करी, परवरिश करने के बाद आपसे 16 साल पहले आपकी वफ़ात हो गई थी। हज़रत जब हयात में थे, मतलब जब आप जिंदा थे, अपने ही हयात में ये पूरी इमारत अपने लिए बना गए थे, पहले बना गए थे कि मेरा पर्दा करने के बाद मेरी मजार शरीफ यहाँ बना जाए। लेकिन आपसे बहुत लाड प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे आपसे, तो आपसे 16 साल पहले आपकी वफ़ात हो गई। तो आपने फरमाया मेरे दोस्त को मेरे सराहने रखो, और आने वाला बंदा सबसे पहले यहाँ हाज़िरी दे फिर मेरे पास आए, जो दुआ यहाँ मांगे वही दुआ आके वहाँ मांगे, इंशाल्लाह ताला घर जाने से पहले पहले पूरी भी नहीं पूरी होगी तो मैदान हश्र के दिन आप एक बार भाई साहब अंदर आके एक बार ये दिखाओ कितना सुंदर ये बनाया हुआ है, देखने में बहुत ज़बरदस्त लगा है। मैं आपको बताऊँगी, आप जब भी कभी पानीपत आओ ना तो यहाँ पर ज़रूर आओ, क्योंकि लोगों की मान्यता है और इतने सारे लोग जुटे तो हो नहीं सकते कि उनकी दुआ नहीं पूरी हो रही हो, दुआएँ पूरी होती हैं, और ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सिर्फ इंडिया से नहीं कई देशों से लोग यहाँ पर आते हैं, तो हिस्ट्री जो है खादिम साहब ने आपको बताई। अब बाहर चलते हैं, बाहर जो है अच्छा, यहाँ आने के बाद ये जो ताले लगे हुए हैं इनका क्या वो है? ये ताले कोई भी जारी ना आता है किसी भी मकसद से लगा सकते हैं यहाँ पर ताला, कोई भी मुराद हो, कोई प्रॉपर्टी है, कोई औलाद के लिए है, कोई घर में परेशान है, तो वो ताला हाथ में रखकर दुआ मांगते हैं, और दुआ मांगते हैं कि सरकार आपकी बारगाह में आए हैं जिस मकसद से भी आए हैं उस मकसद से ताला लगा रहे हैं, अल्लाह के बारगाह में दुआ कर दिए, ताला जब मुराद पूरी हो जाती है ताला खुल जाता है। यदि आप उसके पास चाबी ही आप संभाल कर रखनी पड़ती चाबी हो, उस चाबी से कोई सा ताला खोल सकती हैं, वो ताला खोल, हाँ वो ताला खोल कर आपके कदमों में रखा जाता है। ये मन्नती है कि कभी ताले अपने आप खुल जाते हो? जी हुआ है, आपने भी देखा है? जी बहुत बार हुआ है सर, बड़े बड़े ताले खुल जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आइए अंदर चले। अच्छा, लगभग कितने लोग आते होंगे अंदाजा? अंदाजा वीरवार के दिन, वीरवार के दिन कम से कम
अभी इस वक्त तो 2 से 3 हज़ार से आदमी आ जाता है। 2 से 3 हज़ार आदमी, तो ये उनकी मेन दरगाह है, कंटिन्यू चलता रहता है, आदमी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा जा रहा है। ठीक है ठीक है, ये एक तरफ एक बार दिखाना कि मेन यहाँ पे इनकी दरगाह बनी हुई है हज़रत शाह शरफुद्दीन सरफली शाह जलंधर, ये आपका आस्थाना है। और देखो भाई कमाल का है कि ये उर्दू में अरबी में है, ये सब आयतल कुर्सी सब उर्दू में लिखा हुआ है, अरबी में सब कुरान की आयतें हैं, कुरान की आयतें आयतल कुर्सी लिखी हुई है, यासीन लिखा हुआ है, इसमें पूरी आयत ये बनाई गई, शीशे के ऊपर नक्काशी हुई है। तो चलिए भाई अभी बाहर चलते हैं, तो इनकी वीडियो सही एक बार हाँ इनका थोड़ा सा चारों तरफ से दिखा देना। जितने भी लोगों से पूछा है मैंने, यहाँ से बाहर भी कई लोगों से पूछा था, तो मोस्टली यही कहते हैं कि यहाँ आने के बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि शांति मिलती है और हमारी दुआएं पूरी होती हैं। एक बार जो यहाँ पर कोई आता है तो लगभग वो यहाँ से जुड़ ही जाता है। इन खंभों के बारे में मैंने बहुत सुना है, ये जो है ये कसौटी पत्थर है इसको बोलते हैं, जैसे सुनार के पास जो होता है जिसे सोना परखते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं है कहीं इतने बड़े पत्थर। जी ये जिन्नातों ने 2.5 घंटे में ये मकबरा बनाया था, जिन्नातों की औलाद मतलब खुशी हुई थी कुछ, जो आपकी बारगाह में मन्नत मांगी थी, जिन्नातों की मन्नत पूरी हुई थी, जिन्नों की मन्नत जी, तो जिन्नातों की औलाद हुई थी आपकी बारगाह से, तो वो बहुत खुश हुए जब ये मकबरा बनाया। तो यहाँ पर आपकी बारगाह में पूछा गया कि हज़रत आपकी बारगाह में क्या पेश करूँ, तो आपने फरमाया कुछ ऐसी चीज़ पेश करो ताकि यहाँ लगी रहे वो चीज़। तो ये जिन्नात जमुना के अंदर ये पत्थर थे, वहाँ से लेके आए पत्थर और आपकी बारगाह में लगा दिए गए, ये जब से ये लगे ही हुए पत्थर तब से। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि अगर इनके बीच से निकल जाए तो कोई कितना भी मोटा आदमी हो सब निकल जाते हैं इधर से, ऐसा है कुछ ऐसी शांति के लिए, मतलब एक अपनी एक मन्नत होती है, जैसे इस पे सिक्के चपकाते हैं कुछ लोग, ऐसे होते हैं कि सिक्का चपकाने से वो हाँ उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, ये एक दिल की श्रद्धा है मतलब। बाकी ये पत्थर जो है यहाँ पे लगा हुआ है, पत्थर वहाँ लगा हुआ है, ये एक संगे मरियम पत्थर है, संगे मरमर नहीं है, संगे मरियम संगे मरमर अलग होता है, ये संगे मरियम पत्थर है। इस पत्थर के ऊपर कोई भी दुआ आदमी मांगता है तो अंदरूनी बीमारी खींचता है और दुआएं खींचता है, इस पत्थर पे खड़ो कोई सी भी बीमारी हो ये पत्थर पे खड़ो के दुआ मांगते हैं, इबादत करते हैं, इस पर बहुत से वली आपकी बारगाह में आके इस पे पत्थर पे वली इबादत की है। जी जी, तो चलो आगे भी चलेंगे थोड़ा सा और, मैं आपको बता दूं एक हमारे खादिम साहब और है, आपका नाम इंतजामी सैयद इंतजामी सैयद इंतजामी। अच्छा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके इनकी सेवा करने के बाद, कैसा महसूस होता है सेवा करने के बाद यहाँ पर? हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हम की कोई भी दुआ मांग के जावे इंशाल्लाह अल्लाह सबकी पूरी, सभी जायज दुआएं पूरी होती है। और यहाँ पे भी दीवारों पे पत्थर लगे हुए हैं, ऐसा है कि कलंदर के मायने हैं करामात दिखाने वाला जी। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे करामात दिखाए जिससे इनको कलंदर की उपाधि मिली, और पूरी दुनिया में सिर्फ 2.5 कलंदर हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर 2.5 कलंदर सिर्फ 2.5 कलंदर। अच्छा 2.5 का मतलब समझे नहीं, उस 2.5 का मतलब ये है कि वैसे तो थोड़ा सा पीछे एक कलंदर अबू शरफुद्दीन अली शाह साहब हैं जी, और एक पाकिस्तान में हैं शकी शाहबाज कलंदर साहब, और एक राबिया बसरी हैं इराक में, बसरा इराक पड़ता है। तो वो कारण क्या है कि 2.5 कलंदर इसलिए हैं कि वो औरत थी तो उनको आधा कलंदर माना गया जी, तो इसलिए पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। इनके बारे में एक वाकया ये गिना जाता है जो बुज़ुर्ग बताते हैं, मैं तो भी नया हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ आया मैंने जानकारी पूछी, तो वैसे यहाँ के शिव खादिम साहब जो हैं सूफ़ी एजाज सैयद एजाज हाशमी साहब हैं जो आजकल थोड़ा बीमार चल रहे हैं, तो जब मैं नया आया था तो मैंने भी उनसे ये जानकारी मालूम करी थी, तो कलंदर साहब के बारे में एक ये बात भी बोली गई कि आपके पास लोग आते थे अपनी परेशानियाँ दुख तकलीफ लेकर के, तो एक औरत भी आई आपके पास कि जी मेरे भी औलाद नहीं हो रही है, औलाद नहीं हुई है, तो आपने कहा कि कोई बात नहीं आप बैठे थे आप कल आना, तो उसमें ये हुआ कि वो अपने साथ और लेडीज़ को लेकर के आई, तो आपने अपने मुँह से पान निकाल करके पान खाते थे उनको दे दिया, तो सारी जो औरतें आई थी उन्होंने तो पान खा लिया, जो मेन लेडी थी उसने पान नहीं खाया, उसको घिन आई कि भाई मैं मुँह का पान कैसे खाऊँ, भाई मैं कैसे खाऊँ, तो वो पान को साइड में डाल गई बाहर निकलते हुए। तो जब कुछ टाइम के बाद सब औरतों के बच्चे हुए, उसी लेडी के बच्चा नहीं हुआ जिसने पान नहीं खाया, नहीं खाया।
तो जब सब आए, सब ने शुक्रिया अदा करा, तो आपने पूछा हाँ भाई तुम्हारा क्या हुआ, तो काफ़ी मायूसी दुखी थी क्योंकि उसका मुँह ही दुखी हुआ था। जी जी हाँ भाई, बच्चा नहीं हुआ, चेहरे से झलक रहा था उसके कि परेशान। उसके बाद आपने पूछा तो लेडी कहने लगी जी मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ, कि भाई क्यों, के जी वो मैंने पान साइड में फेंक दिया था। तो कहने लगे कि भाई जाओ जाके वहाँ से अपना बच्चा उठा लो, तो जहाँ आपने पान फेंका था वहीं से उन्हें बच्चा मिल गया। क्या बात है, तो ये करामात जो है कोई कलंदर ही दिखा सकता है, कोई आम आदमी तो दिखा नहीं सकता। तो इसलिए जो है आपका नाम कलंदर की उपाधि साथ में लगा, ये नाम के। तो ये एक खास जो उनके जो करामात दिखाते हैं उन्हें कलंदर कहते हैं, कलंदर कहते हैं, और वो करामात हर आदमी नहीं दिखा सकता। नबियों के बाद अगर कोई करामात दिखाई है तो वो बुजुर्गों में जो नाम आता है कलंदर साहब का। ऐसी करामात है जी, एक सरकारी वकील थे यहाँ बेमानी के, अच्छा, तो उनके कैंसर था, तो वो जहाँ भी जाते थे वो ऑपरेशन बताते थे। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में करवाता नहीं, तो किसी ने बताया कि तुम वहाँ जाओ बाबा के यहाँ, वहाँ दुआ मांगो। अच्छा। तो उन्होंने आके कहा कि बाबा अगर तुम्हारे में शक्ति है और मैं तुम्हारे दरबार में आया हूँ, मैं जहाँ भी जाया मेरा ऑपरेशन बता, ऑपरेशन में करवाता नहीं, अगर आपकी दुआ से मेरा ऑपरेशन ख़त्म हो जाए कैंसर, अच्छा जी, तो मैं जितने भी आपके मेले में यहाँ पब्लिक आवेगी मैं उनकी जितों की सेवा करूँगा। अच्छा जी। तो जी अल्लाह ने कुछ ढूंढी, कुछ दिनों के बाद में उनका कैंसर ख़त्म हो गया। क्या, तो कुछ दिनों के बाद में आया वो, उसने दुआ मांगी, तो वो कहने लगा कि बाबा इनका मेला कब को होगा, मना करके अभी तो 2 महीने पड़े। तो जब ये पड़े थे ये डिब्बे के फोन यहाँ भी दफ्तर में, तो मैंने उनको यहाँ नंबर दे दिया। तो जी उसने 3 दफ़ा आप ही फ़ोन करा, तो दिन 2 दिन पहले कह दिया मना कर जा जो। जब उसने मैं से ये बताया कि जी बाबा जी मैंने बाबा जी से ये अरदास करी थी जी, मेरा कैंसर था, मैं सब जगह परेशान हो गया, सब जगह जहाँ भी जाऊँ तो मेरा ऑपरेशन करवा, तो मैंने बाबा जी से अरदास करी थी कि अगर मेरा कैंसर ख़त्म हो गया मैं पब्लिक के जितने सेवा करूँ, तो आप मुझे जीतो करता हूँ यहाँ बता दिए भैया जी। बिल्कुल जी, उन्होंने करना ही था, इतनी बड़ी बीमारी। तो वो 2 साल से रिटायर हो गया, तो वो कम से कम 10 साल हो गए वो बेचारा हाँ साल बाबा के मेले में टूटते, तो ऐसे ऐसे काम। अच्छा खादिम जी, थोड़ा इनके बारे में और बता देते आइए। जी ये जो 6-7-8 हज़ार शरीफ जो है जी, ये नवाब मुकर्रम अली नवाब जहांगीर के वजीर थे, जहांगीर के बादशाह के वजीर थे जी। ये आपकी पूरी फैमिली है, हजरत की बारगाह में आपने कहा था कि जितनी भी मेरी फैमिली है और इंतकाल करने के बाद आपके कदमों में दफनाई जाए, तो आपकी ख्वाहिश थी कि मेरे जितने पूरे ख़ानदान में जितने भी आपके जितने लोग हैं आपके कदमों में ही दफनाया जाए। ठीक, तो ये आपने अपने कदमों में दफनाया गया जी। और ये जो मजार शरीफ जो है ये आपको जो दिखा रहे हैं आपको जी, ये जहर मुरा पत्थर है, मतलब अगर किसी को तकलीफ़ हो, सांप बिच्छू या कोई भी बीमारी हो, इसके पानी निकालने के बाद और उसको पिलाया जाए कि दिन तक वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, जड़ से जहर खत्म हो जाता है, जहर पूरा ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ ही अगर सांप काट ले उसका उसका पानी पिला दी जाए तो जहर ख़त्म हो जाएगा इसका। इसको बोलते हैं जहर मुरा पत्थर, जहर मुरा पत्थर, हर जहर को मारता है। तो देख बार थोड़ा और ध्यान से देखो भाई, ये वो पत्थर है जहर मुरा पत्थर इसको बोलते हैं, अगर इसके ऊपर पानी डालकर और अगर उसको कोई पानी को पी लेता है तो जिसके अंदर जहर चढ़ा हुआ है वो जहर समाप्त हो जाता है, बेशक सांप ने काटा हो बिच्छू ने काटा हो, तो ऐसी यहाँ की मान्यता है। ये देखो एक बार इस तरफ दिखाना भाई, कितने सारे ताले लगे हुए हैं। हाँ नहीं, बाहर ही चलेंगे हम, और मन्नतें जैसा कि इन्होंने बताया कि मन्नतें मांगते हैं ताले लगाकर, जब मन्नतें पूरी हो जाती है तो ये ताले ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, और अगर ऑटोमेटिक ना खुले तो उस चाबी को जो आप चाबी यहाँ से लेके गए थे किसी भी ताले पर लगाओ वो ताला आपका खुल जाएगा, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। और कवाली यहाँ पर जो है हर रोज गाते हैं।
कवाली गाई जी आपने और मजा आ गया सुन के। अच्छा आपका नाम क्या है? इकरार कलंदरी। इकरार कलंदरी, आप भी बहुत काफी दिनों से गा रहे हो। काफी टाइम से यहाँ पर दरबार में। आपका नाम? मेरा नाम है अल्ताफ। अल्ताफ, आप रिश्तेदार कोई भाई वगैरह? हाँ, पूरा ग्रुप अपना घर का ही। अच्छा, घर का ही है, ठीक है जी। आपका नाम जी? मेरा नाम शमशाद हुसैन जी। ये मेरे पोते हैं, ये लड़का है मेरा। बहुत बढ़िया भाई जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अयान। उमर आयान। आयान, तो बहुत बढ़िया जी, आपने कवाली गाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जी मैंने, परेशान तो नहीं हुआ आप? आज का दिन आपके लिए है, बारिश का टाइम है, हम भी फ्री हैं, कहीं गए नहीं आज फील्ड में। अच्छा, इसलिए जो है आज का दिन बाद के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मेरे ख्याल से भाई आपका एहसान रहेगा मेरे ऊपर कि आपने इतना समय दिया मुझे। ये जी फुकरा हजरात होते हैं। क्या होते हैं? जो फकीर होते हैं जी, फुकरा जी, उनका भी एक होता है यहाँ पर, ये बैठते हैं यहाँ पर। अच्छा, धूनी जलाते हैं तो जो आदमी धूनी बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, मतलब ये कि आता अंदर से। अच्छा अच्छा, जो तो मैं एक बार लगाते हैं और यहाँ पे जी बाबा जी से मिलते हैं जी। आओ, आप भी जो है बहुत बाबा जी। नमस्कार। हाँ जी, कैसे हो? ठीक है। अच्छा, इसका क्या महत्व है इसका? इसका ये मतलब है कि खुशबू के लिए सबसे पहले या बाद में, कुछ तो लोग बाद में लगाते हैं अगरबत्ती, कुछ बाद में, कुछ पहले लगा जाते हैं, पहले लगाते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ बाबा लोग बैठते हैं और ये अगरबत्ती सरकार कलंदर की है, जो भी बंदा आता है वो अगरबत्ती लगाता है। लगाता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, ये कैसे चिपके हुए हैं? कासा है। कासा? कासा, ये बर्तन है बाबा लोगों। अच्छा, और ये चिपकाए हुए हैं आपने सिक्के? ये तो चिपकाए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कभी अपने आप से पकड़े। नहीं 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 नहीं, ये बाबा लोगों का कासा है, यानी बर्तन है ये बाबा लोगों। लोग दान दे के जाते हैं इधर, जिसे खप्पर बोलते हैं। खप्पर बर्तन का नाम, बर्तन। अच्छा, दान मिलता है आपको? दान देते हैं लोग कलंदर सरकार के सदके में, बहुत कुछ नवाजते हैं, देके जाते हैं। क्या बात है, खुश हो आप? हाँ, हम तो खुश हैं। चलो, यहाँ सब खुश हैं। बिल्कुल। तो ये मस्जिद, और ये कलंदर साहब की मस्जिद है। तो मैं पिछली वीडियो में दिखाना भूल गया था वजू का प्रबंध। ये देखो यहाँ पे पानी, और ये टूंटियाँ लगी होती है भाई, जिन्होंने कुछ ने कहा था कि वजू का मतलब नहीं हमें पता। तो यहाँ पे लाइन में बैठ के लोग वजू करते हैं। वजू का मतलब कि अपने आप को नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को पाक करना, तीन बार हाथ धोना, मुँह धोना, तीन बार कुल्ली करना, तो उसे वजू कहते हैं। तो लास्ट में एक ये दरगाह है, जो इसके बारे में थोड़ा आप अगर बता दो कि ये किसकी है, उसके बाद हम अपनी वीडियो का समाप्त कर देंगे। ये दरगाह मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब की है। हाँ जी, साथ साथ में। और जो अगर पानीपत, ये भी कहें कि आज की डेट में अगर किसी के लिए जाना जाता है जी, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, जो बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। अच्छा। जिन्होंने दुनिया में तालीम को मेन अपना हथियार माना। अच्छा। और तालीम नहीं, हर तरह की तालीम, कोई भी तालीम जी। तो ये है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब का मज़ार। तो हाली जो है, हाली साहब की एक खूबी और ख़ासियत रही है कि आप बहुत तालीम याफ्ता परिवार से थे, और ख़ुद भी आपने तालीम लेने के बाद सादा मकसद ये करा कि आपने किताबें लिखी और तालीम दुनिया में लोगों के तक पहुँचाई। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? गंगा जमुनी तहजीब जो है जी, वो हिंदुस्तान का खूबसूरती है, खासियत, हिंदुस्तान खासियत जो है जी। और ये कलंदर जो है ऐसी जगह, यहाँ हर मजहब का आदमी आता है, तो यही गंगा जमुनी तहजीब है। आखिरी में मैं भी आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा, और इन्होंने भी यही कहा, और यहाँ पर आने के बाद जो हमें संदेश मिलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है, आपस में भेदभाव जब तक नहीं छोड़ेंगे ना। अगर हम अपने आप को अपने मजहब को लेकर कुछ ज़्यादा ही दिखाएंगे तो ऐसे भाईचारा और एकता बढ़ेगी नहीं। और मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि ये जो जाति और धर्म की ये जो जहर फैला हुआ है समाज के अंदर, इसको बंद करो और भाईचारे की और प्रेम की भावना सबके अंदर फैलाओ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।